अगर कोई हज करने के लिए जा रहे हैं और हर तरह की रियाकारी से बचते हुए कोशिश कर रहे हैं कि कोई रियाकारी ना हो, किसी को ज्यादा बता नहीं रहे, लेकिन हज करके वापस आकर के अगर वो खुशी में अपने रिश्तेदारों को दावत देते हैं तो क्या ये सही रहेगा या फिर ये भी रियाकारी में आ जाएगा? नहीं, देखिए, रियाकारी का ताल्लुक जो है, रियाकारी की तारीफ ये है कि इजहारुल अमल सालेह लियराहु नास लियमदहू, किसी नेक अमल का इजहार करना ताकि लोग देखें और उसकी तारीफ करें, इसको रियाकारी कहते हैं। अगर उसका मकसद ये है कि मैं दावत जो दे रहा हूं, लोग वाह वाह करें कि ये जो है हाजी बन गए और हज करके आए हैं, बड़े नेक आदमी हो गए, अगर उसके दिल में ये मकसद है, ये नीयत है, तब ये रियाकारी है। लेकिन अगर कोई खुशी का मौका है, हज करके आया है, उसे एक नेमत मिली अल्लाह ताला की, और इस मुनासबत से अपनी खुशी का इजहार करने के लिए दावत कर रहा है, ऐसा उसका कोई मकसद नहीं है किसी को बताना दिखाना, तो इसमें इंशाल्लाह कोई मुजायका नहीं है। लेकिन रियाकारी इतनी बारीक चीज है कि कब आपके दिल में दाखिल हो जाए आपको कभी कभी अंदाजा नहीं हो पाएगा। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए इंसान को कि इस तरह की चीजों से बचे, कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उसे खौफ हो कि कहीं रियाकारी ना दाखिल हो जाए मेरे अंदर। वरना दावत करने में कोई हर्ज नहीं है, वो दावत कर सकता है, खुशी की किसी भी मुनासिबत पर दावत करना ये लोगों की आदत में दाखिल है।